हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का प्रेम क्लासेस चैनल के इस मंच पर, आपके मंच पर, आपके मार्गदर्शक दोस्त के मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभिनंदन है, नंदन है, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वेलकम की इस बेला में, स्वागत की इस घड़ी में मैं आपका स्वागत करूंगा आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन। दोस्तों, हम आज एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके भविष्य के लिए, आपके रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की लाइफ है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, यह जो आज का टॉपिक है वो यूजीसी नेट, पीआरओ, यूपीएससी, आरपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए, पटवारी का एग्जाम हो गया, सीटेट का हो गया, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ही ऐसा है जो कि आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमें जो आपके मैसेज मिलते हैं उनमें से एक मैसेज ऐसा मिला जिसने ये पूछा कि हमें अपने C4D विकास के लिए संचार तो बता दिया, लेकिन विकास संचार नहीं बताया आपने। तो भैया, देर किस बात की, हमने भी तैयार किया मैटर और आज आपके साथ वो साझा कर लेते हैं। दोस्तों, विकास संचार क्या है इसे जानते हैं। मैं पुनः बात कर देता हूं, विकास की जो अवधारणा है वह मानव जाति के विकास के साथ ही शुरू हो जाती है, क्रमागत विकास। जब मनुष्य, जब जीव पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वह क्रमागत विकास करता है और वही विकास डेवलपमेंट या प्रगति भी है। दोस्तों, यह विकास निरंतर होता है, बिना विकास के विश्व में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो कि अपना अस्तित्व बनाए रख सके। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं विकास संचार क्या चीज है। दोस्तों, विकास संचार एक ऐसा अनुशासन है जो कि विकास योजना व क्रियान्वयन के मध्य में एक ऐसा अनुशासन है जिसमें विकास परियोजनाओं व उनके उद्देश्यों के डिजाइन में मानव संबंधी कारकों का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, यह परिभाषा क्या कहती है कि जो विकास संचार है वो एक ऐसा अनुशासन है जो कि उद्देश्यों की पूर्ति और क्रियान्वयन के लिए अधिकाधिक मानवीय जो पक्ष है, कारक है, उसका ध्यान रखा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि विकास किसके लिए किया जा रहा है? आमजन के लिए। तो आमजन की भागीदारी तो जरूरी है, आमजन मतलब समाज। तो समाज की भागीदारी विकास संचार सुनिश्चित करता है। और वह कहता है जब तक आमजन इसमें शामिल नहीं हो जाता, आमजन जो आम पब्लिक है, सिटीजन, वो शामिल नहीं हो जाता, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसे शामिल नहीं होता उसका योगदान, तब तक विकास की जो अवधारणा है पूर्ण नहीं हो सकती। दोस्तों, विकास कहने को तो हम कर जाते हैं, लेकिन यदि हमने ह्यूमन बीइंग का ध्यान नहीं रखा, मानवीय कारक का ध्यान नहीं रखा, तो वो किसी भी काम का विकास नहीं है, वह व्यक्तिगत विकास है जिसे हम विकास की परिभाषा में शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों, अब इस विकास को और कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो इसकी हम कई परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि विश्व के महानतम अर्थशास्त्रियों ने अपने ढंग से दी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं। पहली है एस्रकिन चाइल्डर्स के अनुसार, विकास समर्थित संचार विकास योजना और कार्यान्वयन में एक ऐसा तालमेल है जिसमें विकास परियोजनाओं व उनके उद्देश्यों के डिजाइन में मानव व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सेम वही परिभाषा, उनका क्या मानना है कि एक ऐसा तालमेल, सुंदर तालमेल है जिसमें कि
यदि हमें किसी भी विकास योजना के क्रियान्वयन करना है या उसके उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हमें आम जन का सहयोग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विकास के लिए जो मापदंड है कृषि, सामाजिक, आर्थिक, तो किससे संबंधित है? आम जन से, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक। दोस्तों काम कौन करेगा? आम जन। आम जन की प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है विकास में। इस सारा किससे जुड़ा हुआ है? मानव जाति से। मानव जाति के संपूर्ण चहुंमुखी विकास को ही तो हम विकास कहते हैं। दोस्तों ये जो सारा है केंद्र बिंदु मानव है, इसके मनुष्य मानव जाति है जो कि इन सब को प्रभावित करती है। यदि हमने उनमें निर्णय क्षमता का विकास किया तो निसंदेह विकास की दशा और दिशा अभूतपूर्व होगी, उत्तरोत्तर विकास गामी होगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, विकास संचार है वो अवधारणा, दो अवधारणाएं हैं विकास और संचार। दोस्तों किसी भी राष्ट्र में विकास को गतिमान बनाने के लिए संचार के जिन माध्यमों का सहयोग लिया जाता है वहां वह संचार अवधारणा बन जाती है। विकास को आगे बढ़ाने के लिए संचार क्या करता है वो हम आज के ही इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले विकास संचार को भलीभांति समझने के लिए मुंडे मुंडे मति भिन्ने, तो हम दूसरी और परिभाषाओं का भी रुख कर लेते हैं। तो दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार विकास संचार स्वदेशी वास्तविकताओं की स्पष्ट समझ के आधार पर विकास परियोजनाओं का रणनीतिक संचार का एकीकरण है। ये विश्व बैंक क्या कहता है, इसके व्यू में, इसके केंद्र में, सोच के केंद्र में स्वदेशी है। उनका यह कहना है कि यदि हमें अपने राष्ट्र में स्वदेशी को सफल बनाना है, स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाना है, तो हमें विकास संचार को अपनाना पड़ेगा। और विकास संचार अपनाते समय एक ऐसी रणनीति का खाका तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि आम जन की भागीदारी स्वतः प्रतिबिंबित हो, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आम जन यदि किसी भी योजना का भागीदार या हिस्सेदार या सहभागी होगा, वह योजना स्वतः सिद्ध सफल होगी। दोस्तों यह तब होगा जब संचार के माध्यमों से उन तक समय रहते जानकारी की पहुंच होगी, सूचनाओं की पहुंच होगी, ताकि वो अपनी समझ विकसित कर सके, अपने मत को हवा दे सके, अपने मत को समर्थन में बदल सके। यह चीज होती है विकास संचार में शक्ति। अब हम जान लेते हैं मैन योजो ने कहा क्या कहा है। मैन योजो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि विकास संचार का आशय विकास की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने और बदलने के लिए मीडिया व संचार पद्धति द्वारा संचालित एक ऐसे ढांचे को संदर्भित करता है जो कि व्यक्तियों, समाजों, समुदायों व समाजों को विकास की दिशा व लाभ निर्धारित करने की अनुमति देता है। एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई दुराग छिपा हुआ। उनका कहना है कि एक ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यक्ति, समाज, समुदाय, समुदायों, समाजों को तो विकास की दशा और दिशा निर्धारित करनी होती है, उसे प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों यदि हमने संचार के माध्यम से उन तक पहुंच नहीं बनने दी जानकारी की, तो हम विकास के मामले में, विकास की राह में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जिनका विकास होना है उनका तो समर्थन मिला ही नहीं। बिना संचार के विकास करना या विकास की बात करना उसी प्रकार है जैसे अंधेरे कमरे में किसी को चांटा मारना, किसी को पता नहीं है क्या किया। और संचार वह शक्ति है जो कि यदि हमारे माध्यम सशक्त हुए, मैं सशक्त माध्यम क्यों कह रहा हूं, दोस्तों जो माध्यम
भारत के लिए सशक्त है वो माध्यम अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, यूके के लिए या यूए के लिए हो सकता है, कोई काम के नहीं हो। तो उनके लिए हो सकता हो, हमारे काम के ना हो। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि हमने गांवों का विकास कर लिया तो मान लीजिए आपने अपनी आत्मा का विकास कर लिया। क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और जो विकास की बयार आती है वह ग्रामीण से होकर शहर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था है वह कृषि प्रधान भी है और औद्योगिक। दोस्तों कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में 70% हिस्सा ग्रामीण परिवेश का होता है। तो इसीलिए उनकी भागीदारी के बिना, उनकी सहभागिता के बिना विकास की बात करना झूठे और मक्कार विचारों को बल देना है जो आए दिन विपक्ष करता रहता है। दोस्तों किसी भी राष्ट्र में जनता को बोलने का हक देना अलग बात है और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना अलग बात है। अधिकार तो है लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है, यह गलत बात है। लेकिन भारत जैसे देश में पिछले 3 दशकों से यह होता आया था, लेकिन जब से परिस्थितियां बदली, समाज बदला, राजनीतिक विचारधाराएं बदली, सबको बोलने का अधिकार मिला, आज उसका स्पष्ट प्रतिबिंब विकास में स्पष्ट दिखाई देता है। विकास के लिए जो देश बगले झांकते थे कि भारत क्या करेगा, आज वह भारत से सहायता लेने के लिए हाथ फैलाए खड़ा है कि कोई उनकी सहायता करे। यह तभी हो पाया है जब हमने मानव जाति के सहभागिता को हमारे इस विकास का जो अनुशासन था या विकास की जो एक रूपरेखा थी उसमें उनको शामिल किया है, ताकि वो भागीदार बनकर हमारे इस व्यूह को, चक्रव्यूह को सफल बना सके। अब हम चलते हैं कि सार रूप क्या कहता है, परिभाषा बहुत हुई लेकिन सार क्या कहता है। तो सार सार को गहिरे और थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घेरे और थोथा दे उड़ाए। उसी भांति हमने सभी परिभाषाओं को देखा लेकिन सार क्या निकला वो मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि विकास की बात करनी है या विकास संसार की हम बात कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम अपने राष्ट्र की कार्यशील वर्किंग कैपिटल कौन है, वहां की जनता, वहां के वर्कर्स, वहां की सिटीजनशिप जो है उनको हम शामिल करने की बात कर रहे हैं, हम उनको शामिल करने की बात कर रहे हैं, तभी हम सही अर्थों में विकास के प्रतिमान स्थापित करते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं, हमने विकास को समझ लिया, विकास संचार को भी समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि विकास के विभिन्न जो है उनके जो विभिन्न आयाम है उनको समझ लेते हैं। विभिन्न आयाम में पहले नंबर पे आता है विकास संचार के कार्य क्या है, क्या काम करता है विकास संचार, उसके कार्य क्या है। कार्य को एक दो तो है, क्योंकि जितना व्यापक विकास संचार का क्षेत्र है उससे व्यापक कहीं उसके कार्य है। तो कार्य क्या है हम जान लेते हैं दोस्तों। कार्य है आवश्यकताओं का आकलन करना। दोस्तों कोई भी विकास संचार की बात की जाती है, किसी भी राष्ट्र में जब विकास की बात की जाती है तो पहले जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने कल बताया था, मेरे पूर्ववर्ती वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आवश्यकताएं क्या है उनको हम प्राथमिकता के आधार पर तय करते हैं। जैसा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहली प्राथमिकता यह थी कि लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नसीब हो सके, जरूरतमंदों को रोटी कपड़ा और मकान मिल सके। उसके लिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना से ही सोचना शुरू कर दिया और योजना आयोग सबसे ज्यादा सफल भारतीय योजना आयोग रहा जिसने कि
जो उन्होंने निर्धारित किया कि इस 500 वर्ष में हमें यह करना, वह लगभग समय रहते उन्होंने पूरा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले 5 वर्षीय योजना में हमें हमारी जो आवश्यकता है उसका आकलन कर लिया था उन्होंने, और यह कहा कि यदि हमने समय रहते पूरा नहीं किया तो विकास की गाड़ी अवरुद्ध हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए कहा जाता है कि समय पर यदि काम हो जाता है तो कई चीजों का फायदा रहता है। दोस्तों हुआ क्या, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अनाज के रूप में आत्मनिर्भरता हासिल की, क्योंकि हमारी पहली आवश्यकता लोगों का पेट भरना था। हमने आगे हालांकि बहुत से क्षेत्रों में विकास किया, लेकिन पहला हमने क्या काम किया, हमारा जो आयात करना होता था उसे हम आयात नहीं करते, हमने जो पैसा लगाना था उसे हमने क्या किया, उस पैसे का हमने निर्यात में और चीजों में मंगाने में खर्च किया ताकि हमारी और आवश्यकताएं पूरी हो सके। यह हुआ आवश्यकताओं का आकलन करना, सही ढंग से आकलन करना, उसका मेजरमेंट करना कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाना और उस योजनाओं में, उन योजनाओं में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित करना। और ये सुनिश्चित कौन करेगा, संचार, क्योंकि वह संचार ऐसी प्रणाली है जो टू वे कम्युनिकेशन है, वो संचार के माध्यम से, चाहे वो माध्यम कोई सा हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो मतलब ओल्ड मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या न्यू मीडिया हो, उन तीनों के माध्यम से आम जन तक जानकारी या जो सूचना है वो पहुंचाकर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो ये हुआ आवश्यकता का आकलन करना। उसके बाद प्रौद्योगिकी तक पहुंच, जब हमने आवश्यकता का आकलन किया कि भैया ये आवश्यकताएं हैं तो जन भागीदारी भी जरूरी है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम शक्ति कौन लगाएगा, आम जन, चाहे मजदूर के रूप में हो, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वह एक टेक्निकल पर्सन के रूप में हो, चाहे वह औद्योगिक उद्यमी हो। लेकिन ये कब संभव होगा, यदि हमने प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं बनाई तो हम संचार व्यवस्था में पिछड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, आवश्यकता का आकलन तो किया, लेकिन साथ में क्या करता, विकास संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सफल बनाता ताकि आम जन तक सूचना मिल सके और आम जन अपना समर्थन वहां प्रकट कर सके। उसके बाद बात आती है संचार तक पहुंच, संचार, संचार का मतलब चरेवती ही चरेवती ही चरेवती, निरंतर चलना, और विकास भी हुई है। विकास का मतलब क्या है, निरंतर गतिमान व्यवस्था, तभी तो विकसित विकासशील अर्थ विकसित है, अर्थव्यवस्था है। दोस्तों क्या है, आम जन तक संचार की पहुंच को सफल बनाना, आम जन तो जन तक उनकी ही भाषा में उनकी ही आवश्यकताओं के अनुरूप उनके उद्देश्य को ध्यान में रखकर बात करना, उन तक उन चीजों की पहुंच को सफल बनाना जिनसे कि उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके। और जब व्यक्ति में की आवश्यकताएं पूरी होती है तो वह सोचने के लिए तैयार होता है कि मेरे को क्या करना है, देश में क्या योगदान देता है, देना है। तो दोस्तों यह संचार तक पहुंच को सुनिश्चित बनाता है ताकि वह संचार के माध्यमों का उपयोग कर विकास की जो रणनीति है उसमें एक अपना भी योगदान दे सके। उसके बाद बात आती है संस्कृति के संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करना। दोस्तों किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में वहां के संचार का बहुत बड़ा योगदान है, मैं बता इसको साबित कर सकता हूं। ये ऐसे है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे फोक मीडिया है, फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, फोक वाद्य यंत्र है, तो उनको आगे पहुंचाने के लिए हमारे जो विश्व प्रसिद्ध डांसर हैं, कलाकार हैं, उनकी वजह से ही हम आज सांस्कृतिक संरक्षण में विश्व में अपना अच्छा मुकाम हासिल कर पाए हैं। गुलाबो, इला अरुण, इन सबको कौन भुला सकता है, तीजड़बाई, लंगा वांगड़िया, इनको हम भुला नहीं सकते, ये सांस्कृतिक विरासत में अपना योगदान देते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और बताते हैं,
इसे सफल बनाने में संचार का सबसे बड़ा योगदान है, इनके विकास में सबसे बड़ा योगदान संचार का है। दोस्तों हमारे जो माध्यम है फोक मीडिया है, फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, उनको आम जन तक पुनर्जीवित करने के लिए संचार व्यवस्थाएं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे ऑनलाइन मीडिया हो, वो उन तक पहुंचा रहा है कि हमारे ये वाद्य यंत्र है, ये हमारे फोक डांस है और हमें इन्हें पुनर्जीवित करना है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, यदि सही समय पर सही ढंग से संचार हुआ तो युवाओं की जो भागीदारी है वो हम 100% सुनिश्चित कर पाएंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने। दोस्तों इसके बाद बात आती है जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों संचार के माध्यम से हम लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में और उन्हें जागरूक बनाने में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। संचार के माध्यम, कौन से संचार माध्यम अपनाए जाने चाहिए, किसके लिए कौन से माध्यम। दोस्तों एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे यदि हम न्यू मीडिया की बात करते हैं तो यह मात्र पेन और कलम की घिसाई होगी, कलम और कागज की बर्बादी होगी। दोस्तों क्यों? क्योंकि हमारे जो विशाल भारत देश है उसके अंदर आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, लाइट की बात नहीं कर सकते, लोग उसमें बैटरी डालकर रेडियो में सुनते हैं। तो उन तक यदि मैं बात पहुंचानी है तो मैं पपेट्स, नुक्कड़ नाटक, स्टेज शो, रामलीला, रासलीला, फोक डांस, फोक म्यूजिक, इनका सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम उन तक पहुंच पाएंगे, उनके मन मस्तिष्क को झकझोर पाएंगे कि यह उनके लिए जरूरी है, उनको जागरूक कर पाएंगे कि ये योजनाएं हैं, ये कार्यक्रम आपके लिए ही है, आपको उनसे जुड़ना और फायदा उठाना उनका, ताकि विकास की गति को हम आगे बढ़ा सके। आरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी, इन सबके प्रति यदि जागरूकता लानी है तो विकास के माध्यम से जो संचार की अलख जगाई गई है या संचार के माध्यम से विकास की जो अलख जगाई जाती है उसमें आम जन का 100% योगदान जरूरी है। यह तभी होगा जब वो जागरूक होगा, यदि उसका जुड़ाव उस योजना से नहीं है तो कभी जागरूक नहीं होगा। वो कहेगा मेरे को क्या है, मैं क्यों जुड़ू, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या लाभ है इससे। तो दोस्तों जब तक कोई लाभ और कोई फायदा नहीं होगा आम आदमी उससे नहीं जुड़ेगा। उसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। दोस्तों कहा जाता है कि बोली का घाव कभी नहीं बढ़ता, एक तीर का घाव, तलवार की मार हमेशा ठीक हो सकती है। बहुत बड़े बड़े आज आविष्कार हो चुके हैं, ऐसी ऐसी चिकित्सा प्रणालियां हैं कि हम कटे अंग को वापिस जोड़ सकते हैं, हम क्लोन बनाने को तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बोली का घाव ऐसा है दोस्तों जो हम कभी भी नहीं बच सकते। तो उनकी जो सहभागिता है उनको लेने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास करने के लिए उनका जुड़ाव तो करेंगे उस योजना से, लेकिन कैसे उनको एक सम्मानजनक वे में संचालित करके उन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर नीतियों में समावेशित कर और सम्मानजनक शब्दों में उन तक वह बात पहुंचाकर, जिससे कि वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सके और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हमारी जो विकास की गाड़ी है, विकास का पहिया है, उसे और गतिमान बना सके। दोस्तों यदि विकास की गाड़ी का कोई पहिया है तो संचार है, और यदि उसका कोई सार्थ है तो वह आम जन है। दोस्तों यदि आम जन सही नहीं हुआ, उसका यदि दृष्टिकोण सही नहीं हुआ, नकारात्मक दृष्टिकोण का शिकार हुआ, तो मान लीजिए आपकी विकास की गाड़ी चलने से पहले ही धस जाएगी, नकारात्मकता की
जो आंधी है, जो दलदल है, उसका शिकार हो जाए। इसके लिए जरूरी क्या है? प्रभावी संचार व्यवस्था, जो कि उन्हें प्रतिदिन प्रतिपल उनको आभास कराए कि आपकी भागीदारी इन योजनाओं के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि शरीर में रक्त की जरूरत है। तब उसे लगेगा कि नहीं, मेरी जरूरत राष्ट्र को अधिक है। वो सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएगा, उसे सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास को सफल बनाने में लगाएगा। और ये तब हो पाएगा जब हमने उसके उद्देश्यों की तस्वीर उसे दिखाई और उसकी क्रियान्विति के लिए उसको एक प्रतिबिंब दिखाया कि ये है। यदि आपने सही दृष्टिकोण दिखाया योजनाओं के प्रति, तो आपके उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होगी। उसके बाद बात आती है प्रासंगिक जानकारी प्रदान। दोस्तों, जो योजना है, जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, उससे संबंधित ज्यादा बहस करने के बजाय जो प्रासंगिक है, जो जरूरी है, वो उन तक पहुंचाएं। ताकि देखिए लोग, देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, हमारे देश में शिक्षा का ऐसा स्तर है जो कहीं नहीं देखने के लिए। जैसे कई स्तर हैं, एक तो अक्षर ज्ञान, दूसरा साक्षर, और तीसरा कुलीन वर्ग, जो कि हाई फाई है, जो पीएचडी धारक है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या है, एक चीज ऐसी है, प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है, लेकिन सरल भाषा में, ताकि वह उसे समझ सके, पढ़ सके, समझ सके, उसके अनुरूप व्यवहार कर सके। और उसके लिए जरूरी है ऐसे स्तर को अपनाना, भाषा के ऐसे स्तर को अपनाना, आत्मसात करना, ताकि हम उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के स्तर पर आकर उनसे बातचीत कर सके, प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करवा सके, और उन्हें इसके लिए तैयार कर सके कि वो समझे उस जानकारी को, और उसके अनुरूप व्यवहार करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान उसने दे सके, सुनिश्चित कर सके अपने योगदान को, अपने सहयोग को। उसके बाद है औद्योगिक संपर्क के माध्यम से आर्थिक विकास का समर्थन। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, हर राष्ट्र में आ चुकी है, लेकिन उसके सहयोग को सुनिश्चित करना भी अधिक जरूरी है। दोस्तों, किसी भी देश में जितनी ज्यादा औद्योगिक क्रांति होगी, उतनी ही अधिक वहां पर विकास की जो दर है अधिक होगी, क्योंकि जितने ज्यादा उद्योग धंधे, उतना ही ज्यादा रोजगार, और जितना ज्यादा रोजगार उतनी ही ज्यादा बचत, और जितनी ज्यादा बचत उतना ज्यादा विनियोग, और जितना ज्यादा विनियोग उतनी ही सबल और प्रबल अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, यदि हमें औद्योगिक समर्थन चाहिए, उद्यमियों का समर्थन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? उनके विकास की बात करनी होगी, उनका समर्थन देना होगा, जो उनके लिए नीतियां हैं उनको सरल बनाना, उन तक विकास स्तर वो क्या काम करता है, उन तक ये बात पहुंचाता है कि जो आपके लिए इतना कठिन नहीं है। उस पहले लोग सोचते थे कि हम उद्योग कैसे शुरू करें और इतना जटिल है। दोस्तों, आज उद्योग स्थापित करने की जो जटिल प्रक्रिया थी, वो मात्र महज एक क्लिक करने की जरूरत है। आपके घर तक जो है प्रशासनिक अधिकारी चलकर आएंगे, और आपको जो उद्योग है उसकी जानकारी देकर वही आपको लोन देकर जाएंगे। यह आज की भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसकी मेन मूल आधार है, क्योंकि उसको इतना सरल बना दिया है प्रक्रिया को। उद्योग के लिए ऋण लेना आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तभी तो हम लोगों का समर्थन ले पाएंगे, क्योंकि उनकी पूर्ति हुई, उनके उद्देश्य की पूर्ति हुई, तो वह सहज भाव से, सरल भाव से और सरलता के साथ स्पष्ट बहुमत देगा विकास की योजना, उनके क्रियान्वयन। उसके बाद बात आती है विशिष्ट विकास परियोजना। ये जो विकास संचार है ना,
केवल योजना ही नहीं, परियोजना ही नहीं, विकास की विशिष्ट परियोजनाओं पर भी बल देता है। विशिष्ट जो वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, उनके लिए भी, गरीबों के लिए मकान बनाना या उनके लिए अलग व्यवस्थाएं करना या उनके लिए फ्री का अन्न, मुफ्त अनाज, निःशुल्क शिक्षा, लेकिन ये कैसे पहुंचेगी उन तक? जब तक सुरक्षित, संरचित और सफल संचार व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये सारा निरर्थक है, बेबुनियादी बातें साबित होगी। यदि हमने संचार व्यवस्था को सबल बनाया, प्रबल बनाया और सफलतम बनाया, तो आम जन जो है इन विशिष्ट परियोजनाओं का लाभ उठा सकेगा। पर अंततः विकास परियोजनाएं जो है, विकास का जो हमारा स्वप्न है, दिव्या स्वप्न है, उसे सार्थक करने में अपना योगदान दे पाए। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना। विकास, विकास खाली अर्थ जगत को ही नहीं माना जाता, विकास सामाजिक सेवाओं को भी माना जाता है। जैसे कैंप लगवाना, लोगों के लिए जो है रोजगार के मेले लगाना, लोगों के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें फ्री जानकारी के लिए बड़े बड़े कैंप लगाना, शिविर लगाना, उनकी आवश्यकता के लिए अलग अलग जगह पर समय समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए कियोस्क चलाना, दोस्तों ये जो है ना, ये बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। सामाजिक सेवा का जो उपक्रम है उसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या चाहिए इसका हमें पता लगता है, और हम क्या करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप कोशिश करते हैं कि हम उनको वही चीज दे पाएंगे जो वो चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं यदि पूरी हुई किसी भी स्तर 10-20-50-60% तक, तो वह अपना योगदान देने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों कार्य है विकास की, जो उसे कार्य करनी है विकास संचार। दोस्तों अब हम प्रक्रिया जान लेते कि हम कैसे विकास की प्रक्रिया को गति देंगे। प्रोसेस, कोई हम भी काम कोई भी करते हैं तो उसमें प्रोसेस, एक अनुशासनात्मक प्रोसेस होती है जो कि उसे आगे बढ़ाने में सहायक होती है और उन्हें आगे ले जाती है या उसे गतिमान बनाती है। तो दोस्तों प्रोसेस जान लेते हैं क्या है। पहली तो है प्राप्तकर्ता से निकटता, प्रॉक्सिमिटी। दोस्तों विकास संचार का मेन मुद्दा यह है, इसकी जो प्रक्रिया का पहला तत्व क्या है, हमें उससे निकटता बनानी पड़ेगी। हमें उसे यह बताना पड़ेगा कि आपके लिए जरूरी क्यों है। प्रोसेस का पहले बिंदु क्या है, प्राप्तकर्ता से निकटता बनाना, उन तक ये इस ढंग से पहुंचाना है योजना को कि ये उनकी योजना है, ताकि वो उसे अपना समझे और अपना समझकर अपनत्व के भाव से उसमें भाग ले, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। यह पहला और प्रमुख सोपान है, यह पहला चरण है। उसके बाद आती है विश्वसनीयता स्थापित करें। दोस्तों हमने सत्ता बदल दी और सोचा कि हमारा कल्याण हो, विकास की गाड़ी तीव्र गति से बढ़ेगी और उसे गतिमान बनाएगी या अर्थव्यवस्था। यदि वह राजनीतिक व्यवस्था हमारे उद्देश्यों, हमारी महत्वाकांक्षाओं, जो हमने स्वप्न देखे थे, उन्हें साकार करने में लगती है, तो क्या होगा, एक विश्वास बनता है लोगों में, एक विश्वास का जन्म होता है कि वह अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाती है उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए, उसके संरक्षण के लिए। दोस्तों भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए कौन सी नहीं आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों पिछले 3 कार्यकाल में जितना विकास भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज का हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ, न किसी राष्ट्र में हुआ, न देखा न सुना। क्या वजह है? क्योंकि हमने वह विश्वसनीयता बनाई, कायम रखी, क्योंकि
हमने उनके सुख में दुख में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और हमने बताया हमारे जो राजनीतिज्ञ है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने बताया कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर तैयार खड़े, तभी विश्वास बनता है। और विश्वास की तुला जनता के पास है, हमारे पास नहीं है। उसने नकारा तो हम कहीं के नहीं है, और उसने स्वीकारा, उसने भी स्वीकारा तो हम तख्तोताज मिल जाते हैं, नहीं तो तख्तोताज पलटने में देर नहीं लगती है। यह विश्वसनीयता की प्रकाष्ठा, यह प्रक्रिया है। दूसरा चरण क्या है, हमने निकटता तो बना ले, लेकिन विश्वसनीयता नहीं बना पाए तो जीरो है। विश्वसनीयता बनाने के लिए उनके सुख में दुख में भाग लेना जरूरी है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी और हमने जो बातें की उनमें खरा उतरना जरूरी है। उसके बाद परामर्श, दोस्तों चलो हमने निकटता बना ली, विश्वसनीयता भी हासिल कर ली, लेकिन हमने उनको कह दिया कि आप इसमें शामिल हों, अपनी राय दें, मशविरा दें। दोस्तों क्या होता है, आम जन परामर्श देने के लिए कई माध्यम अपनाती है, कई माध्यम है उसके पास, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया है, उनके माध्यम से वह अपने विचार व्यक्त करती है, परामर्श देती है, यह होना चाहिए। और कई बार ऐसी परामर्श राजनीतिज्ञों के दिमाग में बैठ जाती है आम जन की, कि वो उनकी जो क्रियान्वयन है योजनाओं की, नीति की, कार्यक्रमों की, उन्हें सफल बनाने में एक नई रोशनी का काम, एक प्रकाश पुंज का काम करती है। तो परामर्श के लिए उन्हें तैयार करना कि आप इसका मुख्य सूत्रधार हैं, उन्हें यह बताना कि आपके बिना ये योजना कभी भी सफल नहीं होगी, आपका परामर्श, आपकी राय, आपके जो विचार हैं वो जरूरी है, आपका मशविरा, सलाह, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसके बाद है योजना में ऋषिवर्ष को शामिल करना। जिन एक योजना है, सपोज हमने कोई योजनाएं बनाई, विशिष्ट योजनाएं बनाई, वो योजना किसके लिए, उसे उसमें शामिल करना चाहिए। हम किसके लिए बना रहे हैं उन्हें उसमें शामिल करना जरूरी है, और उसे उन्हें शामिल करने के लिए उनके स्तर पर जाकर बात करनी है, वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, किन माध्यमों से उन तक जानकारी पहुंचानी है, संचार के वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो उन तक पहुंचा सकते हैं, वो संचार के कौन से माध्यम है जो उन तक योजनाओं की बातें पहुंचा सकते हैं, कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचा सकते हैं, ताकि वो उसमें अपने आप को शामिल कर सके, उनकी सहभागिता जो रिसीवर हैं उन तक वो सहभागिता का जो सूत्र है वो पहुंच सके। उसके बाद है संदेश विकसित कर, संदेश मतलब मैसेज डेवलपमेंट। दोस्तों मैसेज विकसित करने में भी बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होती है दोस्तों, जरा सी चूक, जरा सी भूल बहुत बड़ा अनर्थ कर सकती है, कोमा की गलती होती है, बिंदी की गलती होती है, बहुत बड़ा विद्वेष हो जाता है, देश में कला का माहौल हो जाता है। तो हमें दोस्तों संदेश को विकसित करने में, डेवलप करने में बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी होती है, क्योंकि भाषा व भाव दोनों वही होने चाहिए और सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा उसी भाषा में बात करनी है हमें जिसमें वो करते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि गूंगा की भाषा गूंगा समझे या समझे उसकी माँ और बाप, ये कभी नहीं करना। यदि ऐसा हुआ तो वो हमारी भाषा समझेंगे नहीं, और भाषा और भाव स्पष्ट नहीं है तो कभी भी वो हमारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाएंगे और सफलता जो है वो कोशिश दूर हो जाएगी हमसे। तो जरूरी क्या है, आम जन की भागीदारी के लिए उनकी भाषा में, उनके भाव में बात करना और सरलतम ढंग से बात करना, ताकि वो विकास में योगदान दे सके। दोस्तों संदेश जो मैसेज है ना, वो मसाज का काम करता है, शरीर थक गया हम मसाज पार्लर में जाके मसाज करते हैं और शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, वही काम संदेश करता है। संदेश यदि सही ढंग से पहुंचा तो उनको दिमागी खुराक मिल जाती है कि नहीं हमारे काम का है और हमें इसे करना है, तो दोस्तों विकास की जो गति है ना वो पुनः तंदुरुस्त होकर
चलने लग जाती है एक साथ। तो यह है दोस्तों संदेश डेवलपमेंट विकसित करने का सबसे बड़ा आयाम और फायदा। उसके बाद बात आती है प्रोग्राम का क्रियान्वयन। हमने विकास की बात की लेकिन संदेश विकसित कर लिया, लेकिन प्रोग्राम का क्रियान्वयन उनमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन तक पहुंचना पड़ेगा। तभी तो आपने देखा होगा कई बार बस में भर भर कर जनता को लाया जाता है, लेकिन वो जनता का सक्रिय योगदान नहीं है, भागीदारी नहीं है, क्योंकि उनको पैसे देकर लाया जाता है, उनको खरीद कर लाया जाता है। ऐसे भाव, ऐसी सरल भाषा, ऐसा संचार विकसित करना होगा ताकि वो स्वतः उसमें जुड़ने के लिए लालायित हो जाए। क्रियान्वयन की जो आधारशिला है वह यथार्थ था कि नींव पर रखी जाती है। दोस्तों मैं बताऊंगा एक बात, खरीद कर तो गुलाम लाए जाते हैं, उनकी सोच नहीं। खरीद कर तो पशु लाए जाते हैं, व्यक्ति नहीं। दोस्तों व्यक्ति शायद यदि आपको किसी व्यक्ति को उसके समर्थन को हासिल करना है तो उसके मन और मस्तिष्क तक पहुंचना, यह तभी होगा जब आपका संदेश निष्पक्ष होगा, निष्काम होगा, ईमानदारी के साथ तैयार किया होगा, तभी हो पाएगा, तभी हम योजनाओं के क्रियान्वयन को सफल बना पाएंगे। उसके बाद बात आती है संदेश या कार्यक्रम का मूल्यांकन। दोस्तों हमने लोगों को भी शामिल कर लिया, उनको समझा भी दिया कि ये योजनाएं हैं, उसके बाद क्या संदेश का मूल्यांकन करना है। जो हमने संदेश भेजा, लोग आए उसमें, तो हमने क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संदेश या कार्यक्रम का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमने जो लोगों के साथ ये किया या हमने लोगों तक टू वे कम्युनिकेशन किया उसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या यह सही था। कार्यक्रम का संचालन करना और उसका मूल्यांकन करना दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मूल्यांकन से हमें पता लग जाता है कि कहां चूक रही और सफलता के क्या क्या प्रतिमान हमने नए स्थापित किए। दोस्तों मूल्यांकन से हमें ऊर्जा मिलती है, एक नव ऊर्जा का संचार होता है जो हमें बताता है कि यदि हम गलतियों को सुधार कर आगे बढ़े तो सफलता और अधिक प्रतिशत बढ़ सकती है। उसके बाद क्या करना है, योजनाओं का अगला चरण तैयार कर। दोस्तों जो हमने कार्यक्रम का मूल्यांकन किया और हमें सफलता मिली, लेकिन यदि हम कुछ स्टेप पर, कुछ चरण में, कुछ जगह हम असफल रहे तो उसका मूल्यांकन कर हम अगला चरण तैयार करेंगे कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। तो यह है विकास संचार की प्रक्रिया। लेकिन यही नहीं, आज के इस टॉपिक में दो चीजें महत्वपूर्ण है कि संचार के तत्व क्या है, विकास संचार। विकास संचार का पहला तत्व है यह ऑब्जेक्टिव से ओतप्रोत है, उद्देश्यपूर्ण है। इसका कोई ना कोई उद्देश्य, जनता से किस संबंध में आपको मत हासिल करना है, उनका राय परामर्श चाहिए या उनकी सहभागिता लेनी है, उसका एक उद्देश्य है। उसके बाद है प्रतिक्रियाशील, लोगों की जानकारी हासिल करना, उनके तक यदि हम संचार के माध्यमों के माध्यम से के जरिए हम कोई बात पहुंचाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया आती है, आदान प्रदान होता है, हम संदेश भेजते हैं प्रतिक्रिया करेंगे, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद नवाचार और रचनात्मकता, नवाचार अपना, संचार के नवीन माध्यम अपनाते हैं, किसके लिए, विकास के लिए, विकास को गतिशील बनाने के लिए। तो नए नए हम उपकरण, नए नए माध्यम अपनाते हैं, जो हम ओल्ड मीडिया की बात करते थे उन्हें की भाषा में अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बात वही है, उनको हम आधुनिकता का पुट देकर रचनात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया या रचनाधर्मिता, रचनात्मकता दिखाते हुए उनके सामने ले जाएंगे, उनके माध्यमों के जरिए जानकारी को, तो ज्यादा अधिक प्रभावी हो पाएगा। स्थिरता और निरंतरता, दोस्तों किसी भी देश के विकास के लिए निरंतरता जरूरी है,
चरेवती ही चरेवती ही चरेवती, ये संचार का गुण है, चलना चलना और निरंतर चलना। जो हमारे निषदों की, जो हमारे मैथोलॉजी की जो भाषा है उसमें एक चरेवती का जो मूल मंत्र है वो ऐसे नहीं है। वो कहता है कि स्थिरता, स्थिर सोच और स्थिर कार्य किसी भी अर्थव्यवस्था को निर्बल बना सकता है। तो हमें करना क्या है, निरंतरता। दोस्तों रुका हुआ जल भी खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन जो बहता है जल वो शुद्ध और कांच की तरह, एक हीरे की तरह स्वच्छ होता है। दोस्तों इसीलिए निरंतरता जरूरी है और विचारों में स्थिरता जरूरी है। विचारों में हमें डगमगाना नहीं है। विकास संसार क्या कहता है, विचारों में स्थिरता लानी है, सोच मंथन को विकसित करना है, उसके बाद एक साझा मंच बनाना। हमें बातचीत के जरिए संचार के माध्यम से एक ऐसा मंच तैयार करना है जिस पर आम जन अपना कीमती समय दे सके और अपनी बात रख सके और उन्हें इस चीज का डर ना हो, कतई भय ना हो कि यदि मैंने कोई बात कही तो यह पता नहीं किन अर्थों में ली जाए। उनके परामर्श का स्वागत करना चाहिए ताकि हम उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। उसके बाद बात आती है स्वतंत्र सत्यापन। उन्हें जो विचार कहे उनको हम स्वतंत्रता के साथ सुने और स्वतंत्रता के साथ रखने के उनके अधिकारों की सुरक्षा करें, तभी वो बात करेंगे। हम यदि ये कहते हैं कि नहीं 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 बस हो गया बहुत, तो नहीं हो पाएगा। उसे बोलने का हक है और उनके लिए विकास किया जा रहा है, विकास की बात की जा रही है, तो उनको स्वतंत्रता का, जो उनका स्वतंत्रता का हक है, हम उसे तभी सत्यापित कर पाएंगे कि जब हम उन्हें बोलने का अधिकार देंगे, तभी वो सत्यापित होगा कि हमने उसे सुना, ये चीज है। उसके बाद है सामुदायिक भागीदारी, समाज की भागीदारी। ये कब आएगी, जब हम समाज के बारे में सोचेंगे, जब हम समुदाय के बारे में सोचेंगे, जब हमारी समाज के प्रति हमारी सोच विकसित होगी या ईमानदार सोच होगी समुदाय के प्रति, समाज के प्रति, तभी उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी हमारे कार्यक्रमों में, हमारे नीतियों में, हमारे जो है योजनाओं में। उसके बाद है सरकार तक पहुंच। हम नहीं पहुंच पाए सपोज सरकार तक पहुंचना या ऊपर तक लेवल तक पहुंचना डायरेक्ट किसी के आमजन की बात नहीं, बस की बात नहीं, लेकिन संचार माध्यमों के माध्यम से हम हमारी राय वहां तक पहुंचा सकते हैं, उसको एकदम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी राय परामर्श वहां तक पहुंच गई। वर्तमान युग में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर महीने प्रधानमंत्री जी आम जन से मिलने का अवसर देते हैं, उनसे फोन पर बात करके राय ली जाती है। ये क्या है, ये पहुंच है, सरकार खुद पहुंच को सुनिश्चित कर रही है, तो विकास कैसे नहीं होगा भाई, क्योंकि आम जन को यह बताया जा रहा है कि आप ही हो सर्वे सर्वा जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। प्रजातंत्र, जनतंत्र, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, वहीं पर यह है सरकार तक पहुंच सफल हो पाती है, क्योंकि ऊपर बैठा वो भी हमारा ही आदमी है। यह सफल हो पाया, यह जो सोच है वो विकसित हो पाई पिछले 3 दशक में ही मात्र, जब से एक विकासशील राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने कार्य शुरू किया। उसके बाद आसान और सरल संचार उपकरण अपनाना, ऐसे संचार उपकरण बनाना जो कि आम जन तक संचार या संदेश की पहुंच को सफल बना पाए, वो इतना सरल हो कि आम आदमी को ये लगे कि अरे मैं तो इसका तुरंत इसका जवाब दे सकता हूं या उसके तुरंत जुड़ सकता हूं, क्योंकि जानकारी ने काम की। लेकिन यदि आपने पेचीदगी के साथ जानकारी भेजी तो कुछ नहीं हो पाएगा, न तो आपका उद्देश्य सफल होगा न योजना सफल होगी। तो ये थे तत्व मुख्य तत्व जो विकास संचार की है। उसके बाद बात आती है, हम बात कर लेते हैं सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। दोस्तों प्रिंसिपल वह पावर है, वो नियम है जो कि हमें किसी कार्य को करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान, जो कि हमें एक ऐसी नव ऊर्जा
प्रदान करते हैं ताकि हम एक निश्चित दिशा में स्वस्थ मन और मस्तिष्क से काम कर सकें। तो दोस्तों कौन कौन से हैं तो मैं बता दूं, पहला डायलॉगिक, मतलब संवाद करने का अधिकार। दोस्तों यह सिद्धांत पहला क्या कहता है कि हम जिसके लिए विकास की बात करते हैं उसके उस तक जानकारी पहुंचाइए कि हम विकास के लिए कौन सी योजना नीति कार्यक्रम बना रहे हैं, और उनसे उनको डायलॉग करने की, उनको टू वे कम्युनिकेशन करने की शक्ति प्रदान करें, उन्हें अधिकार प्रदान करें ताकि वो अपनी राय देकर, अपना परामर्श देकर उसे सफल बना सके। यह उसके बाद है समावेशी। दोस्तों यदि हमने किसी को डायलॉग या उनको अपनी बात रखने का अधिकार दिया तभी तो वो समावेशित हो पाएंगे, उसमें उसका भाग बन पाएंगे। हम उनको, उनकी शक्ति को, उनके कार्य को समावेशित करके योजना का लाभ उन तक पहुंचा पाएंगे। तो समावेश होना, किसी का समाविष्ट होना, उसके अंदर शामिल होना, उनकी हम शक्ति उन्हें प्रदान करेंगे तभी वो इसे अपना माने। उसके बाद है अनुमानी। अनुमानी क्या है दोस्तों? कई बार क्या होता है, योजनाओं में जोखिम होती है, कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, तो उनको हम मद्देनजर रखते हुए, हम उनके, उनको ध्यान में रखकर, उन कई बार होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों बादाम खाने से अक्कल नहीं आती, ये अनुमानित जो चीज है ना उसके बारे में बता रहा हूं। ठोकर जो लगती है वो आपको समझदार बुद्धिमान बनाती है दोस्तों, यही अनुमानी। इसमें जो अनुमान की बात की जाती है वो अप्रोक्सीमेटली, ये क्या कहती है अप्रोक्स क्या होता है कि हमने जो अनुमान लगा लिया कि भैया जो हमने जोखिम उठाई, यदि हमने ये काम किया इस ढंग से किया तो हमें और भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि हम हटकर काम करें तो हो सकता है कि हमें कम जोखिम उठानी पड़े। तो ये विकास संचार है, क्योंकि हमने जो जोखिमें थी उनका हमने आकलन कर रखा था संचार के माध्यमों के जरिए, लोगों की राय ले चुके थे हम ताकि जोखिमों का सामना कम करना पड़े। उसके बाद आते हैं विश्लेषणात्मक, जो सारा कार्य है उसका विश्लेषण करना, हमने जो गलतियां की, हमें जो सफलताएं मिली उनका विश्लेषण करना, उनका विवरणात्मक विवेचन कर लेना, हमारे दिमाग में हमने लिख लिया, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने उसमें फीड कर लिया, तो विश्लेषण हो गया उसका चीज का, हमने क्या उसको पूरा विस्तार से जान लिया कि क्या जोखिमें आई, क्या सफलताएं हमें मिली और कितनी हद तक मिली। तो दोस्तों क्या होता है, हमें हमारा जो कार्य है उसको करने में सफलता मिलती है। अब हम आज का जो लास्ट आज का सिद्धांत हम जानते हैं सहभागी, पार्टिसिपेट। दोस्तों पार्टिसिपेट क्या कहती है कि किसी भी कार्य में जितने ज्यादा लोग सहभागी होंगे, जितने ज्यादा रिसीवर सहभागी होंगे उतनी ही ज्यादा वह प्रक्रिया सफल होगी, क्योंकि आम जन यदि रिसीवर हो उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो जाती है किसी कार्यक्रम या नीति में, तो उसकी सफलता तो पूर्ण सफल ही हो गई, वेल बिगनिंग हो गई उसकी, पर हाफ डन तो हो ही गया काम। यदि उसका वह शामिल हो गई, जो शक्ति जो हमें चाहिए, जो आम जन की कार्यशील पूंजी और शामिल हो गई, जो सहभागिता थी सक्रिय सहभागिता वो उसमें शामिल होगी, तो हमें विकास के लिए किसी और का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज हमने जान लिया कि विकास क्या है, विकास का तत्व क्या है, विकास की प्रक्रिया क्या है, विकास की सिद्धांत क्या है, विकास के कार्य क्या है। तो दोस्तों विकास संचार के कार्य क्या है, विकास संचार क्या है, हमने सारा कुछ जान लिया, लेकिन आप कैसे जानेंगे? आप तभी जान पाएंगे जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, आप उसे सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में नए नए सवाल पूछेंगे कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, हम साझा होंगे, हम एक मंच साझा करेंगे जो कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, किसकी, शिक्षा की, नए नए आयामों की, नई नई जानकारियों की, तो वो एक ही मंच है प्रम क्लासेज। तो हम दोस्तों फिर से कल जुड़ते हैं इसी मंच से इसी समय, तब तक के लिए देखते रहिएगा प्रम क्लासेज चैनल, अपना प्यार स्नेह लुटाते रहिएगा, मिलते हैं कल इसी चैनल पर, धन्यवाद।